हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि सेमेस्टर थर्ड की बुक है और इसका एक नया चैप्टर शुरू करवाएंगे भाई। आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ग्रुप बिहेवियर। ये सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, इसमें टोटल 9 चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी 5 चैप्टर कवर करा दिए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लाइन वाइज एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिस्क्रिप्शन से वॉच आउट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज और, अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं तो ये सीरीज, पहले तो मैं बता दूं, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 का या सेमेस्टर 5 का, उसके अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। और इस सीरीज के नोट्स रेडी हो चुके हैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। तो जिन बच्चों को नोट्स बाय करने हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के, वो इस नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैसेज करना, कॉल ज्यादा मत करना, कॉल पिक नहीं कर पाते भाई, मैसेज करना, कॉल ज्यादा हो जाती है। तो मैसेज करोगे आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना कि सर हमें मिनिमम हमें नोट्स बाय करने हैं, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। उसमें सारे चैप्टर्स होंगे, शॉर्ट समरी होगी, एक्यूरेट नोट्स होंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, एग्जाम में बेस्ट स्कोरिंग है, ठीक है। तो जो भी बाय करना चाहता है वो इस कॉन्टेक्ट पे जाके मैसेज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो भैया आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। तो ग्रुप बिहेवियर के चैप्टर नंबर 6 से पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, 5 चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वॉच नहीं करे तो भाई ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप क्या होता है, पहले आप ग्रुप का मीनिंग समझेंगे। ग्रुप मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स या फिर नंबर ऑफ पीपल, जो किसी एक सेम काम के लिए सारे मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। चलो दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मुझे एक घर बनवाना है। क्या बनवाना है भैया? मुझे एक घर बनवाना है। मैंने 6 लोगों को हायर करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 6 लोगों को मैंने हायर कर लिया। सब 6 लोगों से मेरे को एक ही काम करवाना है, क्योंकि मेरे को घर बनवाना है, उसमें ज्यादा लोग तो लगेंगे। एक मसाला बनाएगा, एक ईंट चुनाई करेगा, एक दीवार देखेगा, एक मटेरियल लेके आएगा और एक आदमी उसकी हेल्परी भी करेंगे, ठीक है। तो एक आदमी मिस्त्री भी होगा, तो इसलिए मैंने 6 लोगों को चुन लिया। अब मेरा एक सेम कॉमन गोल है, वो क्या है? हाउस मेक। क्या है? हाउस मेक। अब देखो एक सेम कॉमन गोल के लिए ये 6 बंदे काम कर रहे हैं और 6 के 6 का एक ही मोटिव है, क्या बनाना है? हाउस बनाना है। तो जब काफी सारे पीपल्स या काफी सारे लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर चीज को, काम को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप बोला जाता है उस पूरे को, ठीक है। तो ग्रुप का मीनिंग ये है, नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर टुगेदर। देखो टुगेदर मतलब होता है कि एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे ये 6 के 6 लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग जो है एक ग्रुप में कोरिलेटेड है, ग्रुप में कोऑर्डिनेट हो रखे हैं, एट द सेम प्लेस, और एक ही प्लेस पर एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक आदमी जो है वो लंदन में बैठा है, एक आदमी दुबई में बैठा है, एक आदमी पेरिस जापान में बैठा है, ऐसा नहीं है। सब सेम प्लेस पे हैं, सबका मोटिव एक है और सारे एक ही जगह मिलके काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। दैट आर कनेक्टेड इन द सम वे, वो किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, मतलब कि कनेक्टेड होंगे, लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप। क्लियर है? ग्रुप समझ आ गया। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहला तो लिखा है एट लीस्ट 2 पर्सन। देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सा फैक्ट है यार। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है, 50 बच्चे हैं क्लास में, मैंने बोला सब अपने अपने ग्रुप बना लो, ग्रुप का मीन्स क्या बोला मैंने? अपने अपने पार्टनर ढूंढ लो, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। 12 ग्रुप बन जाएंगे मेरे पास, अगर 50 बच्चे हैं तो बन जाएंगे 10 ग्रुप, 60 बच्चे तो 12 ग्रुप बन जाएंगे। मैंने बोला जाके अपने अपने पार्टनर ढूंढ लो, तो हर एक बच्चा जो है एटलीस्ट एक बंदा तो अपने साथ जोड़ेगा। ग्रुप तो तभी कहलाएगा ना, अकेला आदमी अगर मान लो मैं हूं तो मैं बोलूं मैं ग्रुप हूं अपने आप में, तो मैं ग्रुप थोड़ी हूं, मैं तो इंडिविजुअल हूं, सोलो हूं,
ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है, हमें ग्रुप के अंदर एटलीस्ट दो, और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस फर्म में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्रुप का साइज मैटर करता है, ठीक है। मगर मिनिमम कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा एटलीस्ट टू पीपल्स। दूसरा है इम्पैक्ट, देखो ग्रुप का इम्पैक्ट पड़ता है, हर एक पार्टनर की थिंकिंग जो है वो अलग हो सकती है, हर एक आदमी अलग अलग नजरिए से सोच सकता है। अगर मुझे कोई काम करना है और मेरे साथ चार लोग और हैं मेरे ग्रुप में, तो सबकी थिंकिंग अलग होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक अच्छा डिसीजन निकल के आता है, ग्रुप में एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है कि आपको ये काम करना है तो आपको ये काम किस तरीके से करना है, तो ग्रुप जो है हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग वगैरह में, तो ये इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। आगे आता है ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर जो होता है, लीडर पहले समझते हैं लीडर क्या होता है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो बहुत समझदार होता है और जो पूरे ग्रुप को या पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, वो लीडर होता है। लीडर मतलब जो दूसरों को डिसीजन सिखाता है, दूसरों को मोटिवेट कर सके और दूसरों को एक रास्ता बताता है, वे बताता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप कंट्रोल करता है कि आपको इस तरह जाना है, आपको इस तरफ जाना है, आपको इस तरफ जाना है, तो वो कौन होता है, लीडर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप लीडर की। ग्रुप लीडर मतलब एक ऐसा लीडर जो इन छह लोगों को कंट्रोल करेगा, घर बनाने के लिए एक जगह पर जुट के काम करने के लिए इनको मोटिवेट करेगा, वो है लीडर। तो यहाँ पे लीडर कौन है, जो इन छह लोगों को लेके आया, एक जगह पे इकट्ठा करा है, इनसे घर बनवा रहा है, तो वो होता है ऑनर, ठीक है। तो हो सकता है अगर मैं बनवा रहा हूं, मेरा घर है, तो मैं हो गया, ठीक है। या फिर लीडर इनमें से भी एक चूज करा जा सकता है, जो इनमें से दिमागदार हो, जिसको हम बोलते हैं हमने किसी को ठेका दे दिया काम का, कि भाई इतने दिनों में तेरे को एक घर कंप्लीट करना है, पूरा ठेका एक बंदे को, जिम्मा दे दिया एक बंदे को, जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, तो वो लीडर होगा। यहाँ पे तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, ग्रुप में काम सबके अलग अलग बटे होते हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, ताकि काम अगर अच्छे से होगा, बेटर वे में होगा, तो ग्रुप में जो लोग हैं वो एक दूसरे से अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ग्रुप के जो लोग हैं, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, तो काम गोल अचीव करने के लिए नहीं किया जाएगा, गोल अपने आप काम से अचीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का जिक्र मैंने ऊपर करा था, टुगेदर ये रहा, ठीक है। देखो ग्रुप में आपको कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे टुगेदर। एक साथ काम करेंगे तो आप बोलोगे टुगेदर काम कर रहे हैं। कहां पे काम कर रहे हैं, सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे, ठीक है, एक जगह होती है और उनको कनेक्ट कर दिया जाता है किसी एक सेम वे में। सेम वे मतलब किसी एक काम में उनको लगा दिया जाता है, तो उसको ग्रुप बोल दिया जाता है, ठीक है। जहां पर 8-10 लोग सेम काम को सेम प्लेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो टुगेदरनेस मतलब होता है कि एक साथ मिलकर जब लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा टुगेदरनेस, मतलब एक साथ काम करने वाले लोगों को ग्रुप, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, जो ग्रुप डायनेमिक होता है उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस आता है यहाँ पे पोटेंशियल कंपैरिजन। पोटेंशियल कंपैरिजन, ग्रुप में अगर छह लोग हैं, हर एक का पोटेंशियल कंपैरिजन दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, ये कह सकते हो शक्तियां होती हैं, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिव नॉलेज होती है जो दूसरे से हटके होती है। जैसे कि एक आदमी है जो मिस्त्री है, मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री करता है जैसे कि मान लो ईंट वगैरह लगाने का जिम्मा है उसका, दीवार सीधी जा रही है नहीं जा रही, वो चुनाई करने का सारा काम करता है मिस्त्री। एक होता है गारा बनाने वाला, गारा मीन्स होता है वो सीमेंट और वो बदरपुर वगैरह को जो घोलते हैं फावड़े से, तो वो गारा मिट्टी का अगर हो गया तो गारा हो जाएगा, सीमेंट वगैरह का है तो उसको बोल सकते हैं मसाला बनाना, ठीक है, तो वो काम मसाले वाले का होता है। तो उसके अंदर एक पोटेंशियल कंपैरिजन है दूसरे से, एक चुनाई करने में अच्छा है तो एक गारा बनाने में, मतलब मसाला बनाने में, मिक्स करने में, ठीक है, उस ईंट की तो उसमें ज्यादा अच्छा है। तो सबके पोटेंशियल कंपैरिजन नहीं करे जा सकते, सबके पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, जिनका यूज करके हम एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। भाई मर जा। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, हाईली प्रोडक्टिविटी।
हाईली प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि यहाँ पर जब हम दूसरों के पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो काम हमारा अचीवमेंटफुल होता है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एक बिजनेस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर काम के साथ साथ अच्छा कोरिलेशन भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस होती है। तीसरा है जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आप बेटर तरीके से ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ग्रुप डायनेमिक कर रहे हो, आपकी टीम जो है वो अच्छे से काम कर रही है, तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की भी जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आपको ये जॉब जो मिली है इस जॉब में आप बिल्कुल सूट कर रहे हो, इस जॉब को आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स क्या होता है? टीम वर्क होता है जहां पर सारे मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीम में पांच लोगों को बॉन्ड कर दिया बट उसमें से एक आदमी खाली बैठा सो रहा है, ठीक है, वो कह रहा है मैं काम नहीं करूंगा बिल्कुल भी, तो उसको हम टीम वर्क नहीं कहेंगे। टीम वर्क मीन्स टीम वर्क, आप टीम से काम करवाओगे, पूरी टीम काम करेगी, कुछ ना कुछ काम सारे कर रहे हैं, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए। इट मीन्स टीम वर्क, टीम वर्क होता है। टीम वर्क को दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं इसको दूसरे वर्ड में, तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल। कोऑर्डिनेशन जब होता है तो अच्छा काम होता है, समन्वय जब होता है, तालमेल जब होता है तो अच्छा काम होता है, टीम वर्क। ठीक है, हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट मतलब होता है दूसरों को समझ सकते हैं ऐसे लोग। एक टीम में अगर पांच लोग हैं तो उसमें से एक ऐसा हो सकता है कि थोड़ी आनाकानी करेगा काम करना है कि मैं नहीं करूंगा, ये काम उसको दो, ये काम उसको दो, बट अगर ऐसा होगा तो काम अच्छे से नहीं परफॉर्म होगा। वर्क एनवायरनमेंट हार्मोनियस का मतलब है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जहां पर आप लोग इजीली दूसरे से काम करवाते हो, अपनी टीम में वर्क कर पा रहे हो और सारी चीज अच्छे तरीके से कर पाते हो। हार्मोनी मतलब सारे मिलजुल कर अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हार्मोनियस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की। देखो हमने पढ़ लिए ग्रुप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस के बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के ना टाइप होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, कुछ ग्रुप फॉर्मल होते हैं, कुछ ग्रुप इनफॉर्मल होते हैं, कुछ ग्रुप प्राइमरी होते हैं, कुछ ग्रुप सेकेंडरी होते हैं, कुछ ग्रुप लार्ज होते हैं, कुछ ग्रुप स्मॉल होते हैं। तो ये क्या है, टाइप है, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। हम बात करेंगे फॉर्मल ग्रुप से। फॉर्मल ग्रुप ज्यादातर वो ग्रुप होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशनल में इस्तेमाल किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशनल के टाइम पे बनाया जाता है एक कॉमन पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ये ग्रुप जो है ज्यादा बड़े नहीं होते ना ज्यादा छोटे होते हैं, कम से कम मिनिमम 5 to 10 पर्सन इसमें होते हैं और ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। फॉर्मल ग्रुप का एक ही गोल होता है, गोल होता है अचीव करना जितने भी इसके क्या है अचीवनेस है, जो भी इनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं, उनको फॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक होती है, जहां तक उनका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। एट द एंड जब वो घर पहुंचेंगे तब उनकी बॉन्डिंग ओवर हो जाती है, ठीक है, उनका ग्रुप्स खत्म है। इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनकी बॉन्डिंग हमेशा रहती है, लगातार रहती है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, ये है इनफॉर्मल ग्रुप, तो इनकी बॉन्डिंग जो है वो इनफॉर्मल रहती है। देखो पहली चीज तो इनफॉर्मल ग्रुप को 3 types में डिवाइड करा गया है, इसके 3 types होते हैं, याद रखना इनफॉर्मल ग्रुप के, ठीक है। पहला होता है इंटरेस्ट, रेफरेंसेस, फ्रेंडशिप। देखो इंटरेस्ट वाले लोगों का ग्रुप क्या होता है, एक क्लास है, एक क्लास में ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चों के ग्रुप ना अपने आप ही ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं। जैसे कि मैं मान लो स्कूल में गया और मैं अगर लड़ाकू बच्चा हूँ, मैं बहुत ज्यादा शैतानी करता हूँ, लड़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट लड़ाई दंगों में रखा है, हर किसी से लड़वाना, गाली गलौज करना, तो मेरे टाइप के बच्चे का ग्रुप जो है वो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। हम ना अपने टाइप के लोगों को अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमसे क्यों टकराते हैं ऐसे लोग, नहीं भाई तुम्हारा नेचर वैसा है तो तुम उससे इसीलिए टकराते हो क्योंकि तुम अपने आप ही अपने जैसे लोगों को फाइंड करते हो, इसमें कोई दूसरा फाइंड नहीं करता, तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जैसे लोगों को फाइंड करते हैं। भाई 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 ओए बाहर खेल बाहर, तो हम अपने जैसे लोगों को
अपने आप फाइंड करते हैं, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हम अगर लेजी हैं तो हमारे साथ लेजी बंदे अपने आप ही मिल जाते हैं, कामचोर हैं तो कामचोर बंदे मिल जाते हैं। अगर एक ठीक बंदा मिल गया तो फिर वो बेचारा तंग हो जाता है, क्योंकि हम तो लेजी हैं, हम तो काम करने से रहे, वो जो काम कर रहा है हम उसको भी उसमें डिले कराते हैं। दूसरे आते हैं वो लोग जो रेफरेंस के जरिए ग्रुप बनाते हैं। देखो रेफरेंस वाले ग्रुप बहुत ही ज्यादा मतलबी टाइप के ग्रुप होते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो एकदम सेल्फिश टाइप के ग्रुप्स होते हैं रेफरेंसेस वाले ग्रुप। रेफरेंसेस ग्रुप को मैं सेल्फिश क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। देखो रेफरेंसेस ग्रुप में वो ग्रुप होता है कभी ना कभी जिसमें आपको ना हमेशा के लिए नीड नहीं होती इन ग्रुप्स की, कभी ना कभी इक्के दुक्के आपको कभी कभी नीड पड़ जाएगी तो आप इनसे हालचाल पूछ लोगे, वरना नहीं पूछोगे। जैसे कि आपके रिलेटिव्स में बता देता हूँ, या आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसी में बता देता हूँ, आपके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त या ऐसा पर्सन होगा जिसकी जरूरत आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पड़ती है। जैसे एग्जाम आ गया, किसी दोस्त को बोलना भाई नकल करवानी, वो हर बार नकल अच्छी करवा देता है या पढ़ के अच्छा आता है, तो कोई पटाखू बच्चा डे की सुखी जैसा और एक नोबी जैसा, तो डे की सुखी वाले बंदे की जरूरत कब पड़ेगी, जब एग्जाम आएगा। तो एग्जाम आया मतलब निकाल लिया, मतलब निकलने के बाद ग्रुप को छोड़ दिया। तो ये होते हैं रेफरेंसेस ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स की बॉन्डिंग या ऐसे लोगों की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, क्लियर है। फिर आता है उसके बाद फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप एक पक्के अच्छे दोस्त वाले ग्रुप्स होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फॉरएवर ग्रुप, जो हमेशा लंबे टाइम तक चलते हैं फॉरएवर ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर जो भी ग्रुप्स होते हैं इसमें आ जाते हैं रिलेटिव्स, जो धोखेबाज रिलेटिव्स हैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, होते हैं कुछ हर घर में मामा मौसा चाचा, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स के जिसमें फैमिली पर्सन बहुत ही अवेलेबल हो, जब आपको हेल्प चाहिए आपकी हेल्प कर दें, और फ्रेंड्स हो गया, अपने सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन ब्रदर सिस्टर, तो उनके साथ जो ग्रुप्स कोऑर्डिनेशन होता है वो हमेशा फॉरएवर वाला है। तो वो जो ग्रुप्स हैं वो फ्रेंडशिप टाइप के ग्रुप्स में आते हैं। तो ये है इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हमेशा रहते हैं, ठीक है। और फॉर्मल ग्रुप्स आपको समझ आ गया सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित है, उसके बाद ये सीमित नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। भाई प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप को समझो, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं। प्राइमरी मतलब जिनकी नीड आपको हमेशा रहती है, पहले नंबर पे आप इनको कॉल करोगे, हेलो भाई हाय है वो। तो भाई जो भी प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर आते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशनल से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। दूसरे टाइप के आते हैं सेकेंडरी ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशनल से डायरेक्ट लिंक नहीं होते। जैसे कि डायरेक्ट लिंक क्या है भैया और इनडायरेक्ट लिंक क्या है, जरा इसको आप क्लियर कर दो, ठीक है, करता हूं भाई। देखो डायरेक्ट लिंक ऐसे कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जो बैठने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं, सबोर्डिनेट्स हैं, तो उन सबको हम बोलेंगे एक तरह से, भाई एक पागल बच्चा है बाहर बहुत कुर्सियां छेड़ रहा। तो भाई मैं दोनों के लिंक को पहले क्लियर कर दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक का मतलब क्या है। देखो जो आपके ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप। आप मान लो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप ITR फाइल कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा, तो आप किससे पूछोगे, आप डायरेक्ट कॉल करके कहीं नहीं जाओगे। जो आपके बगल में बैठा हुआ है ना, आपके साथ जो बैठा हुआ है, आप उससे पूछोगे, वो है डायरेक्ट लिंक। इनडायरेक्ट लिंक मतलब जिसकी आपको रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है, जिसमें जिसको आप महीने में एक या दो बार याद करते हो, हेलो सर आप मेरे को अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए दे दीजिए, अब मेरे को अपना डेटा भेज दीजिए तो मेरे को आपको रिटर्न वगैरह फाइल करनी है। सो वो जो है सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, मतलब वो लिंक तो है बट उनसे आपका कोई डायरेक्ट काम नहीं है, आपका काम आपके बगल वाले मेंबरों से हो रहा है, बट उनको आप याद तब करते हो जब जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी लिंक है, उनसे काम आपका नहीं इतना है, ठीक है। तो अब दोनों में क्लियर समझ आ गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी में। फिर आते हैं स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। देखो स्मॉल ग्रुप क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप का मतलब होता है जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं वर्कर्स कह सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स कह सकते हो, टीम मेट कह सकते हो, तो लिमिटेड होते हैं स्मॉल ग्रुप्स है। यहाँ पे काम तो बहुत ही इफेक्टिव तौर पे होता है, ये तो कोई शक वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स होते हैं वर्कर के, तो सारे मिलके कोऑर्डिनेशन करके काम को अचीव करते हैं और गोल्स अचीव करते हैं। और लार्ज में क्या होता है, लार्ज में एक बाउंड्री फिक्स नहीं होती कि कितने लोग लार्ज में आएंगे, जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। अब अंबानी लोगों की कंपनी है, रतन टाटा की कंपनी है, इसमें हजारों लोग काम कर रहे होंगे रिलायंस में, है ना, कर रहे होंगे ना जियो में, रिलायंस में। अब भाई इसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अगर पीपल्स के ग्रुप बनाने पड़े तो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, और जितने ज्यादा बड़े लोगों के ग्रुप बनते हैं उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन डिले होता है, हर चीज में डिले होता है। इसमें बहुत सारे आलसी लोग भी होते हैं जो अपना काम पूरा नहीं करते ढंग से,
और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसा होता है, जैसे आप अकाउंटेंट हो, ऐसा आप किसी को कॉल करोगे सर डाटा भेज दो, वो बोलेगा मैं भेज रहा हूँ भाई बेटा भिजवा रहा हूँ। हमेशा बात तो उसकी यही रहेगी, मैं भिजवा रहा हूँ भिजवा रहा हूँ भिजवा रहा हूँ, कभी डाटा टाइम पे नहीं आएगा। जब पता चलेगा रिटर्न का फाइल करने का टाइम आया, 11 तारीख आ रही है, 20 तारीख आ रही है 3B की, तब भी उसका डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, जिसको लार्ज नंबर का डिले पोर्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब हम बढ़ने वाले हैं ग्रुप कोहेसिव क्या होता है भाई। कोहेसिवनेस ग्रुप क्या होते हैं वो आपको बताते हैं, पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे ग्रुप कोहेसिवनेस की। डेफिनेशन के लिए मैंने ना कुछ वर्ड्स को मार्क करा हुआ है, यहां से आप देखोगे तो कुछ वर्ड मार्क करे हुए मैंने, जैसे यूनिटी, स्ट्रेंथ, ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप कोहेसिवनेस की, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप ये वर्ड को पढ़ के याद कर सकते हो। देखो ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपके टीम मेंबर्स या आपके मेट्स या आपके कलीग्स वगैरह है, तो दिखाने के लिए चाहे वो आपकी हेल्प करें एट द टाइम, चाहे वो आपकी हेल्प ना करें एट द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि ग्रुप्स में हेल्प मिल जाती है, बट चाहे वो नाम के हों अब या फिर वो काम के हों, अगर वो ग्रुप में है तो वो ग्रुप कोहेसिवनेस का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिटी होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और बहुत ही ज्यादा सेम ओपिनियन वाले लोग मिलते हैं, जिनके ओपिनियन बिल्कुल सेम हो, जिनकी यूनिटी एकता बनी हो, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। आप जैसे कि दो पर्सन है, दो पर्सनों को जरूरत पड़े तो एक दूसरे की हेल्प भी करने को तैयार हो, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी स्ट्रेंथ वाले लोगों को एक ग्रुप में लाने का मतलब है ग्रुप कोहेसिवनेस। क्लियर है, ग्रुप कोहेसिवनेस समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव वर्क इन ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो एक तरह का इफेक्टिव वर्क करते हैं, ठीक है। उनका जो वर्क है पूरा का पूरा वो एक इफेक्टिव तौर पे होता है। ग्रुप कोहेसिवनेस की मैंने नीचे कुछ यहाँ पे लिखी हुई है फीचर्स, जो कि आपकी बुक में दी हुई थी ग्रुप कोहेसिवनेस, तो यहां से इसको रीड करते हैं। पहला आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस। ग्रुप कोहेसिवनेस की परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास होती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो चाहे ज्यादा हो या कम हो, इसमें मेंबर्स जो है वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। परफॉर्मेंस जिसकी जिसकी अच्छी होगी उसके हिसाब से उसको गोल अचीविंग में और ज्यादा इजिली होती है। दूसरा पॉइंट होता है इसका गोल्स शेयर्ड। इनके गोल्स जो है वो शेयर्ड होते हैं, मतलब कि एक इंटरलिंक्ड वर्क होता है इनके पास, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको शूज की फैक्ट्री का। देखो एक पूरा शूज रेडी कब होता है, जब वो 3-4 गोल्स कंप्लीट करके आता है। एक शूज बनाने वाली फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह पे वो धर के शूज को छाप दे, नहीं भाई, उनके हर एक पोर्शन को अलग अलग जगह पे प्रिपेयर किया जाता है, सेपरेट सेपरेट जगह प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप शूज की बात कर लो, या आप एक मोटरसाइकिल की, या आप एक ऑटोमोबाइल की बात कर लो, एक कार की बात कर लो, फरारी की बात कर लो, हर जगह क्या होता है, एक सेफ्टी टैंक जो होता है ना, उसको पेट्रोल वाला टैंक हर किसी गाड़ी का, वो अलग जगह प्रिपेयर हो रहा होता है। उसके व्हील्स जो होते हैं ना टायर, वो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट में बन रहे होते हैं। उसके हैंडल्स वगैरह अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बना रहा होता है। फिर उसको एक तरह से कोलैब करके एक कार में बनाया जाता है, मॉडिफाई करके कार बनाई जाती है जो भी होती है, या एक बाइक बनाई जाती है, एक शूज बनाया जाता है। तो उसका मतलब होता है शेयर्ड गोल्स, सबके गोल्स अलग अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बराबर दी जाती है, अपने अपने काम करके उनके ग्रुप्स के जो गोल्स होते हैं उनको शेयर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। कोहेसिवनेस में एक ओपन कम्युनिकेशन पाया जाता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, देखो एक ग्रुप है, मैंने उसमें बोला कि आज मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूं, मैंने एक मैसेज लिख दिया, मेरे ग्रुप में 100-200 लोग हैं, मैंने एक मैसेज डाला कि आज मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूं। अब सारे के सारे ना ओपिनियन नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जो हेजिटेट होते हैं, अपने ओपिनियन नहीं रखते कि भैया आप ये पहनो, वो इतना भी नहीं बोल पाते, कुछ लोग होते हैं उसमें से। मान लो वो 40 लोग हटा दो, 60 लोगों की बात करते हैं, 60 लोगों में से लोग अपने ओपनली क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन करते हैं, अपना आप ओपिनियन देते हैं कि आप रेड पहन लो, आप ब्लू पहन लो, आप नंगे रह लो भैया, कोई कोई ऐसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन कम्युनिकेशन है। बट अगर मैंने किसी को वहां पे रोक दिया, मैंने किसी को वहां पे पिंच कर दिया कि भाई आप मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हो मैं नंगे रह लूं,
ठीक है, ये तो गलत बात है। तो वो अगली बार से अपने ओपिनियन ही नहीं देगा। बहुत सारे माइंडसेट ऐसे होते हैं जो एक बार टोक दो तो उसको लगता है कि भैया ने मेरे को टोक दिया, भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे को देने नीचे अपना ओपिनियन। तो ये सब होता है, मगर कोहेसिवनेस कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना। आपको ओपिनियन जो है, जो आइडियाज हैं, उनका वेलकम करना है हमेशा। अगर वो आइडियाज गलत हैं तो आप उसको अब्जॉर्व मत करो, आप उसको यूज ना करो, बट उसको सुनो वो बोल क्या रहा है, ताकि वो अगली बार मोटिवेट रहे कि मेरे आइडियाज एटलीस्ट लिया तो है, वो चीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस को शेयर करना। अगर ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हो सकते हैं जिनके एक्सपीरियंस से आपका काम निकल सकता है, तो उनके आइडियाज एक्सपीरियंस को सुनना, शेयर करना कोहेसिवनेस का पार्ट है। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। कंपनी को विश्वास होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा ग्रुप है, हम अगर इसी तरह से चलेंगे ना तो आगे पक्का है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई ट्रस्ट ये नहीं होता, ट्रस्ट ये होता है कि आगे आपको सफलता मिलेगी, इस ट्रस्ट में काम किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि सफलता नहीं मिलेगी तो आप काम ही छोड़ दोगे, आलसी बन जाओगे। तो ट्रस्ट मतलब होता है जहां पर पार्टनर्स अपने कंपनी के एक गोल्स पे, एक अचीवमेंट पे ध्यान दें, वर्क करें, वर्क हार्डर करें, और हार्डेस्ट करें, एंड देन अचीव गोल्स। उसके बाद क्या है, ग्रोथ, फ्यूचर। फ्यूचर में ग्रोथ मिलना पक्का है। अगर आप आज से काम कर रहे हो, ये वीडियोस में आज से बना रहा हूं, अभी हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसका पे आउट मेरे को मिलेगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, मतलब आपको जो भी हार्ड वर्क है वो एक ना एक दिन उसके पैसे आपको मिलेंगे, चाहे इन फ्यूचर मिले। तो ग्रोथ फ्यूचर में अपने आप ही मिलने लगेगी अगर आपने हार्ड वर्क करा है। आपने आज वीडियो बना के रखी है तो दिसंबर में जब एग्जाम आएंगे तो ये नोट्स बिकेंगे, वीडियोस पे व्यूज आएंगे, अर्निंग बनेगी, रिवेन्यू बनेगा। ठीक है, तो ये सब पे ऑफ होता है उसका, सोर्स ऑफ कोहेसिवनेस। अब हम बढ़ते हैं सोर्स के ऊपर। ठीक है, सोर्स क्या क्या होते हैं, स्रोत। सोर्स को क्या बोलते हैं, स्रोत, मतलब जिस जगह से ये आए हैं, इनका आगमन हुआ है, कहां से हुआ है। तो पहली चीज तो कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शंस, ग्रुप्स में कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन की वजह से ही हमारे जो सोर्स है, कोहेसिवनेस है, वो बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बातें समझते हैं, सुनते हैं, तभी यहाँ पे आगे जाके काम चलता है। बिना, अगर मैं गूंगे को रख लूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सारे गूंगे रख लूँ उसमें, बहरे अंधे लूले लंगड़े रख लूँ, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगा? एक को बात नहीं सुन रही, एक को बोलना ना आवे, एक को लिखना ना आवे, ठीक है, एक को चलना ना आवे, ठीक है, बताओ कैसे काम चलेगा? इन सबको भर लूँ तो मैं, कंपनी डूबेगी, कंपनी गिड़गिड़ाएगी मेरी, भीख मांगेगी कि भाई बंद कर दे, रहम की भीख मांग रहे, बंद कर दे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। दूसरा आता है रिस्क। कंपनी में वो एक डायलॉग सुना है हर्षद मेहता वाला, रिस्क है तो इश्क है, बट अब वो चीज फेल हो गई है यहाँ पे। रिस्क है तो इश्क है नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके जेब में 10 रुपए हो, आप 10 करोड़ का लोन लेके खड़ी कर दो कंपनी, फिर रिस्क है तो इश्क नहीं होगा, फिर तो कंपनी डूबेगी, फिर 10 करोड़ के नीचे आपको दबा दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर रिस्क जो है वो लिया जाता है, बट थोड़ा दिमाग लगा के सोच के कि आप मान लो शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केटिंग करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं मैं जानता हूँ। अब इसमें भी आप, ये थोड़ी है रिस्क है तो इश्क है का मतलब है तुम कहीं भी अंधा दूना आंख बंद करके मम्मी जहाँ उंगली रख देगी वहीं मैं पैसे डाल दूंगा, ना भाई, कुछ सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, डेटा एनालाइज करना पड़ता है कि कंपनी इन फ्यूचर कहाँ जाएगी, कुछ समझना सोचना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं करोगे, वो चीज है। फिर आता है शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होते हैं इनके उद्देश्य जो है वो एक दूसरे से शेयर्ड कर देते हैं, कि जैसे भाई आज ना शेयर्ड में इस मार्केटिंग में ये वाला पैसा है ना, यहाँ इन्वेस्ट कर और यहाँ पे हाई चांसेस है ग्रोथ होने के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रुप साइज। ग्रुप के साइज भी मैटर करते हैं। ठीक है, ग्रुप का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था, बड़ा होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्मॉल साइज रहेगा ग्रुप अच्छा चलेगा, डिस्कशन अच्छे होंगे, ज्यादा बड़ा होगा ना तो उसमें अनावश्यक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, एक बंदा है जिसको दीवार बनानी है यहाँ पे, नहीं सॉरी, दीवार नहीं बनानी, ईंटें ला ला के रखनी है, वो यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ खड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस जो है कम से कम ये मान लो 500 मीटर का है, 1000 ईंटें रखी हुई है यहाँ पे, 1000 ईंटों को उठा के यहाँ रखना है, 500 मीटर चल चल गए। एक बंदा मैंने लगाया, मेरे को लगा कि बंदा कम है, मैं 2-3 और लगा देता हूँ, मैंने 4 लगा दिए तो 4 बंदे कम से कम 2 घंटे में ईंटें खत्म कर देंगे, 1.5 से 1 घंटे में मैक्सिमम खत्म हो जाएगी ईंटें पक्का। 1000 ईंटें ज्यादा नहीं है, 4 बंदे बहुत है इसके लिए।
ठीक है। अब इसी जगह मैंने ग्रुप का साइज बढ़ा दिया, मैंने चार बंदों की जगह 12 बंदे लगा दिए। अब एक बंदा एक ईंट लेके जा रहा, दो ईंट लेके जा रहा, तीन लेके जा रहा, चौथी जगह दूसरे बंदे जो है ना, दो तीन बंदे तो बैठ कर सो रहे हैं, ये लेके चले जाएंगे ना एक आधी ईंट, पैसा तो उतना ही मिलना है। एक आधी ईंट कम लगा दी, ज्यादा लगा दी, कोई कोई तो 10 लेके जा रहा है और कोई कोई कुछ नहीं लेके जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों को लगाने की वजह से भी ना डिमोटिवेशन फैल रहा है। जो बच्चे काम करने वाले, जो लोग काम करने वाले एक्चुअल में ईंट ला के यहाँ पे रख रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि जो खाली बैठा है उसको भी उतना ही पे ऑफ मिलेगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा मेरे को भी इतना पे ऑफ मिलेगा। फिर क्या होगा, काम करने वाले भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप का साइज मैटर करता है, जितनी जरूरत है उतना लगाओ। एटीट्यूड्स मैटर करता है कि आप ग्रुप में किस तरह का एटीट्यूड रखते हो, ठीक है। आप ग्रुप में लोगों के सुनते हो नहीं सुनते हो, कमांड कैसी आपकी, ठीक है, किस तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग है, आप दूसरों के डिसीजन किस तरह से लेते हो, वो चीज मैटर करता है। फिर आता है वैल्यूज, एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज और उसकी लीडरशिप, कि आप किस तरह से दूसरों को डायरेक्टिंग करते हो, लीड किस तरह से कर रहे हो, जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उनको किस तरह से देखते हो, ठीक है, अपने व्यूज कैसे रखते हो, ओपिनियन कैसे रखते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस के सोर्सेज में। अब देखो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको उतार लो, फिर इसके बाद मैं आगे लिखवाने वाला हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन मेकिंग। ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामिनेशन में क्लिक होता है, पूछ लिया जाता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं और इसकी टेक्निक्स के साथ साथ इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस नीचे मैं आपको बताऊंगा, प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसके अंदर तीन टेक्निक्स हैं। बेसिकली क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, इनका मतलब होता है सिंपल सा, एक प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काफी टीम बिठा दी जाती है, वो टीम अपने अपने आइडियाज देती है, जिसका आइडियाज बेटर होता है उसको हम इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस में लाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करके कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दिया जाता है, मतलब कि जो प्रॉब्लम होगी उसको खत्म कर दिया जाएगा। सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए कुछ लोग अपना विचार विमर्श करके एक समाधान देते हैं, उस समाधान को हम यूज करके उस प्रॉब्लम का निवारण कर देते हैं। तो ये होती है हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर तीन अलग अलग तरह की टेक्निक्स यहाँ पे हैं। वैसे बुक में बहुत सारी होती हैं, 8-10 अलग अलग है, बट बुक में जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ तीन ही टेक्निक्स को मेंशन करा है, तो मैं तीनों को आपको लाइन से बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स क्या होती है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में क्लिक होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो पढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जो है लिखी थी एलेक्स ऑसबोर्न ने, एलेक्स ऑसबोर्न जो है प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप करा था, इसको डेवलप करा था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इन बाय विच एफर्ट आर मेड टू फाइंड ए कंक्लूजन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखो कह रहा है कि वो एफर्ट जिनकी मदद से हम किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, बाय गैदर लिस्ट ऑफ आइडियाज, किसकी मदद से हम गैदर करते हैं लिस्ट ऑफ आइडियाज, आइडियाज मतलब बहुत सारे आइडियाज लोग हमें देते हैं, उसमें से हम एक सिलेक्टेड आइडिया को सिलेक्ट करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे आगे खत्म नहीं हुआ, आगे लिखा है स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूट बाय इट्स मेंबर, ये जो बड़ा सा वर्ड है इसका मतलब है एट द टाइम रैंडमली लोगों के दिमाग में जब क्वेश्चन मैंने पूछा कि आज मैं घर पे छोले खा के परेशान हो गया हूँ, अब मेरे को ये बताओ कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए, तो लोगों ने ना रैंडमली, कोई पहले सोच नहीं रखा था, रैंडमली उसी टाइम उनके दिमाग से जो आया उनको उन्होंने वो बहुत बताया। किसी ने बोला छोले खा लो, किसी ने बोला दाल खा लो, किसी ने बोला घी खा लो, तोरी खा लो, पालक खा लो, तो जो रैंडमली उनके दिमाग से निकल रहे हैं ना आइडिया, इस वर्ड का मतलब वही है, इसका मतलब वही है, जब रैंडमली कोई एट अ प्लेस पे कुछ सोचे स्पॉन्टेनियसली उसको वही बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखा है इसका, इसके अंदर कुछ इसकी ना गाइडलाइंस भी है,
कुछ assumptions भी है, कह सकते हो limitations भी है, इसकी guidelines भी है। brainstorming की, brainstorming का मतलब आपको समझ आ गया, जहां पर लोग अपने अपने ideas देते हैं, हम उन ideas को gather करके अपनी एक specific problem का solution निकालते हैं, उस techniques को brainstorming कहा जाता है। brainstorming के अंदर कुछ इसके guidelines है, पहला चीज तो ये है कि criticism of idea is not allowed। क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। अगर मान लो किसी ने मेरे को बोला कि घिया खा ले, मैंने बोला अबे भाई घिया तू ही खाया कर, मेरा घिया नहीं खाता, इतनी सस्ती चीजें नहीं खाता, तो मैंने क्या करा, उसने तो अपना आइडिया दिया, पहले तो मैंने ही आइडिया मांगा था ना प्रॉब्लम का, सोल्यूशन दो, तो अब उसने आइडिया दिया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। तो ये चीज क्रिटिसाइज करना किसी को गलत चीज है। अगर कोई ऐसा करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगली बार से क्या बोलते हैं हेजिटेशन के कारण या अपनी बेइज्जती के कारण अगला जो पर्सन है वो अपने आइडियाज को पार्टिसिपेट में नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं करना। आगे लिखा है नो आइडिया रूल आउट। नो आइडिया रूल आउट का मतलब है कि सबसे पहले किसी ने आपको आइडिया दिया, उसने बोला भैया एक काम करो दाल बना लो सबसे बेस्ट है, और आपने उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसको मना कर दिया, ना भाई दाल मेरे को अच्छी नहीं लगती, सीधा मना कर दिया, भाई ऐसा नहीं करना। अगर आपको उसका आइडिया पसंद नहीं भी आया ना, तो उस टाइम पे उसका आइडिया को आप लो समझो, ठीक है। बाद में इवेल्युएट करना, 5-7 जो आइडियाज आएंगे, 10-20 जो आइडियाज आएंगे, उन 50-30 आइडिया में से फिर जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर लेना, बट उसको उस द एट द पॉइंट मना मत करो कि हमें आपका आइडिया पसंद नहीं आया या मैं ये नहीं करूंगा, उस टाइम पे उसको रूल आउट मत करो, ठीक है। तीसरा है स्टेट पब्लिकली टू गिव सजेशन आइडियाज। स्टेट पब्लिकली मतलब कि जो भी आइडियाज वगैरह होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने स्टाफ को बुला के सबके सामने लिए जाते हैं, पब्लिकली सबके आइडियाज पूछे जाते हैं, जिसका आइडिया बेस्ट होगा बेटर होगा उस पर उसका वर्क किया जाता है, जो आइडिया बेस्ट होगा उसको डील कर दिया जाता है, डन कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पब्लिकली होता है, यहाँ पे सबसे सजेशन और आइडियाज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लियर है। अब नीचे आ जाते हैं अगली वाली पे, जिसका नाम है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर नॉमिनल और फिर डेल्फी आती है। देखो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मतलब है इंडिविजुअल साइलेंटली लिस्ट देयर आइडियाज। यहाँ पर क्या था कि लोग अपने आइडियाज को ओपनली पब्लिकली शेयर कर रहे थे, लोग अपने ग्रुप में सबके सामने शेयर कर रहे थे, बता रहे थे क्या आइडियाज होंगे प्रॉब्लम्स के। इस जगह पर प्रॉब्लम के आइडियाज ना सबके सामने ओपनली शेयर नहीं किए जाते, यहाँ पर इंडिविजुअली साइलेंटली आइडियाज को दिया जाता है, लिस्ट करा जाता है। कह सकते हो आपने कोई प्रॉब्लम बताई, हर किसी ने अपने आइडियाज को पेन से पेपर पे लिखकर और एक एनवलप में डाल के आपको दे देंगे कि आपको ये आइडिया हमारा है, ये आइडिया हमारा है, इसमें पेन पेपर का यूज होता है। तो याद रखना पेन पेपर का यूज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में होता है। फिर आगे लिखा है आइडिया रिटन ऑन द चार्ट ऑल आइडिया लिस्टेड। अब जितने भी आइडियाज आए होंगे, मान लो मेरी कंपनी में 50 लोग हैं, मैंने 50 लोगों से आइडिया मांगे, तो उसमें से 30 लोगों ने आइडिया दिया, 30 में से मैंने सारे आइडिया देखे और सबको एक चार्ट पे, बड़े से चार्ट पे लिस्ट कर दिया, सबके आइडियाज मैंने लिख दिए वहां पे, ठीक है। अब आगे डिस्कशन इज परमिटेड बट ओनली क्लैरिफाई द आइडिया। देखो डिस्कशन यहाँ पे परमिटेड है, मतलब डिस्कशन नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी आइडियाज के बारे में, एक दूसरे को नहीं बताओगे, साइलेंटली काम करना है ना, क्योंकि हमने पहले ही बोला था पेन पेपर का यूज करना है। तो जब डिस्कशन परमिटेड है, बट ये लास्ट जो लिखा है बट ओनली क्लैरिफाई द आइडिया, मान लो किसी का आइडिया हमने पढ़ा, एनवेलप में लिख लिया था, उसमें मैंने पढ़ लिया, ठीक है अच्छा है, बट मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि इस आइडिया से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, तो जिस पर्सन ने वो आइडिया लिखा है मैं उससे सामने से पूछ लूंगा, भाई इस आइडिया को क्लैरिफाई कर दे, ये आइडिया में तू कहना क्या चाहता है, मैं जो थोड़ा समझा दे कि कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो क्लैरिफाई करने के लिए आप पूछ सकते हो बस। फिर लिखा है नो क्रिटिसिज्म अलाउड, उसमें क्रिटिसिज्म अलाउड था बट इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, उसमें भी वैसे नहीं करना था उसमें भी क्रिटिसिज्म, बट फिर भी अगर करते हैं तो गलत बात है, मगर इसमें क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए, पॉइंट्स को डाउट पूछने के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। लिखा ए रिटर्न वोट इज टेकन बाय वोटिंग। उसके बाद मान लो जो भी आइडियाज आपने सिलेक्ट करें उसको आप पेन पेपर पे लिख दोगे, फिर आप अपने मेंबर्स से ही वोटिंग करवाओगे कि बताओ कि सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया कौन सा है, उसकी वोट करो। अब वो वोट करने लग जाएंगे तो जो सबसे हाईएस्ट वोटिंग होगी उस आइडिया को आप पिकअप करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को या अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये मतलब होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का, क्लियर है।
थर्ड आ जाते हैं हमारी इंपॉर्टेंट थर्ड टेक्निक है डेल्फी। डेल्फी टेक्निक जो है बाय नॉर्मन डेल्फी एंड ओलाफ हेल्मर, इनके द्वारा लिखी गई है। तो नाम याद रखना, बाय नॉर्मन डेल्फी, डेल्की नाम है वैसे इनका, तो इसी नाम से डेल्फी पड़ी है, डेल्की डेल्फी। ठीक है, तो नॉर्मन डेल्की एंड ओलाफ हेल्मर ने दी थी। पहली चीज तो यूज्ड अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। देखो ये जो है डेल्फी हमारे फ्यूचर इवेंट्स के लिए होती है। मान लो मेरी बर्थडे पार्टी है 2 दिन के बाद, तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इवेंट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपने आइडियाज चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो स्टाफ हैं उनमें से मैं पूछूं लोगों से कि मैं अपनी बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट करूं। मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, शिमला, कुल्लू मनाली, विदेश, कहीं भी, ठीक है, या फिर मैं यहीं पे सेलिब्रेट करूं, या फिर मैं किसी अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं। मतलब आइडियाज मैं मांग रहा हूं उनसे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि 20 से 15 एक्सपर्ट जो होंगे वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो, इन दोनों में एक्सपर्ट की बात नहीं करी गई थी, बट इसमें क्या होगा उस आइडिया को सजेस्ट करने के लिए ना एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। 15 से 20 एक्सपर्ट होंगे और जो कि एक दूसरे से अननोन होंगे, एक्सपर्ट भी एक दूसरे से अननोन होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि और भी एक्सपर्ट बुलाए हैं, 15 बुलाए हैं, 20 बुलाए हैं, हमें भी नहीं पता भाई, एक्सपर्टों को भी नहीं पता होगा ये चीज। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर करेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है, उन क्वेश्चन को सेंड कर देंगे एक्सपर्ट के पास। किसके पास भेजेंगे, एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट उन क्वेश्चन के आंसर बताएगा, ठीक है, हर एक एक्सपर्ट के पास सेम क्वेश्चनर जाएगा, हर एक एक्सपर्ट जो है उसके आंसर सेंड करेगा। उसके बाद जो भी ऐसा होगा, जैसे लिखा देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों जितने भी हमारे एक्सपर्ट है वो अननोन है, एक दूसरे से अननोन है, एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चनर सेंड करेंगे, वो जो आइडिया सिलेक्ट करेंगे वो आइडिया हम इम्प्लीमेंट करेंगे देन। तो ये थे 3, 1, 2, 3 डेल्फी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। क्लियर है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाओ फटाफट आ जाओ। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग जल्दी से खत्म करते हैं, चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रोसेस कैसे 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 शुरू करते हैं डिसीजन लेना। पहली चीज, आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम्स को। मान लो आपको एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए बोला है, घर में एक आग लग रही है, ठीक है, पहले क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे ना भाई आग लगी कैसे, कहां लगी, शुरू कहां से हुई है, तो पहले आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद आप सेकंड स्टेप पे आओगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आग जो है पर्दे के किनारे से लगनी शुरू हुई थी माचिस के टुकड़े की वजह से, और वो लग गई, चल गई। अब उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करोगे कि जो माचिस के टुकड़े से आग लगी है इस जगह कैसे लगी, माचिस का टुकड़ा आया कहाँ से, किसने पी है माचिस, बीडी पी है, क्या पी है, जो भी है, समथिंग। मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, ये संबंध लिखना है एग्जाम में एक ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। उसके आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, फाइल्स पढ़ोगे, स्टडी करोगे, प्रोजेक्ट वर्क देखोगे, ठीक है, उसके जितनी भी स्टडीज है वो करके एनालाइज करोगे, इस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जब आप प्रॉब्लम एनालाइज कर लो फिर आप डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स को यूज करोगे। इसके लिए आप इन 3 टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम एनालाइज हो गई, अब आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस टेक्निक से या डेल्फी टेक्निक से एक्सपर्ट हायर करके या अपने स्टाफ से सलाह मशवरा करके ओपनली पब्लिकली बात करके सॉल्यूशन ले सकते हो। आप अल्टरनेटिव डेवलपमेंट करोगे, बहुत सारे आप उनसे फीडबैक लोगे, सॉल्यूशन लोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करोगे, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आपको सजेशन दे दिए, अब इतने सारे सजेशन तो हो नहीं सकते कि आग लगने का इतने सारे कारण तो होंगे नहीं, अब उसमें से भी आप इवैल्यूएट करोगे कि सबसे ज्यादा बारीक कौन सा है, सबसे ज्यादा एक बिल्कुल उसके क्लोज टू कौन सा है, जो बिल्कुल ऐसा लगे कि एग्जैक्ट हाँ इसी पॉइंट से लग सकती है आग, या इसी पॉइंट, यही पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो वो इवैल्यूएट करोगे आप पॉइंट्स को, ठीक है। इवैल्यूएट्स हो गया, पॉइंट इवैल्यूएट होने के बाद आप सिलेक्शन करोगे बेस्ट अल्टरनेटिव का, कि मान लो 50 में से 10 पॉइंट आपने इवैल्यूएट करके छांटे हैं, उसमें से 6 या 7 पॉइंट आपको लग रहे हैं कि ये वैलिड रीजन होगा, यही प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है, ठीक है। अब उसमें से आप एक सिलेक्शन करोगे, अब एक सिलेक्शन के लिए आप इस डेल्फी टेक्निक का यूज कर सकते हो। डेल्फी टेक्निक में आप एक्सपर्ट जो होंगे 15 से 20 उनको आप हायर कर सकते हो, उनको आप पूछ सकते हो कि भाई इनमें से बताओ कौन सा आपको लग रहा है, तो जो सबसे ज्यादा रैंक्ड होंगे, जो सबसे ज्यादा
लोगों ने बोला होगा कि भाई ये लग रही है मेरे को प्रॉब्लम, आप उसको सिलेक्ट करोगे। जब सिलेक्शन हो जाए आपके अल्टरनेटिव्स का, लास्ट पॉइंट आप इंप्लीमेंट करोगे उस अल्टरनेटिव को। क्या करोगे? इंप्लीमेंट कर दोगे उस अल्टरनेटिव को। भाई इंप्लीमेंट कर दिया, प्रॉब्लम खत्म, बस यहाँ पे टॉपिक फिनिश। तो इसको उतार लो, आगे और भी टॉपिक्स है तो मैं वो लिखवाने वाला हूँ फटाफट। चैप्टर ऑलमोस्ट 80% कवर हो चुका है, 20% वीडियो रह गई है। भाई 20-25 मिनट और रुक जाओ, ये चैप्टर मैं कंप्लीट ही करवा दूंगा। ठीक है, उतार लो फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। भाई ये है हमारी इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले के जो मैंने लिखवाए होंगे वो आपने उतार लिए होंगे आई थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। पहले हम कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। देखो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जिस जगह पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां एक दूसरे से आपका झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या किसी एक का नुकसान हो रहा हो उसमें, ठीक है, या किसी एक को दूसरे से जेलस वाली फीलिंग आने लगे, तो उस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, उस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही है, मैं पहले डेफिनेशन से समझाऊंगा फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट बिगिन व्हेन वन पार्टी पर्सीव दैट द अदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज कब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिगिन कब होते हैं, जहां पर एक पार्टी जो है ये देखती है कि दूसरी पार्टी जो है वो उसके अंदर है ना एक नेगेटिव थॉट्स जो है वो उत्पन्न होने लग रहे हैं, किसी भी रीजन से हो सकता है, और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग। और इस चीज से वो कोई एक ऐसी चीज है जिसको एक नेगेटिव तौर पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, दैट द फर्स्ट पार्टी केयर अबाउट, जिसकी केयर कोई फर्स्ट पार्टी कर रही है। ठीक है, इसको ना नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे लिखा है अमन, ठीक है, एक बंदा है अमन नाम का और एक पर्सन है जिसका नाम है मोनू। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल है। अब सपोज करो अमन जो है वो इस साइकिल को बड़ा पसंद करता है, अमन को ये साइकिल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, ये साइकिल किसको अच्छी लगती है भाई? अमन को। बट इसी जगह अब मोनू आ गया। अब अमन के दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मोनू को साइकिल पसंद नहीं है, या फिर मोनू इस साइकिल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा अमन सोच रहा है। और जब अमन ने ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में बैठाई कि या तो मोनू भी साइकिल को पसंद कर रहा है या मोनू इस साइकिल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इस जगह पर अमन जो है वो इस साइकिल को मोनू से डिफेंस करने की सोचेगा। क्या करेगा? डिफेंस करने की सोचेगा। और जब ये उसको डिफेंस करने की सोचेगा, इसी बीच इनका जो झगड़ा होगा वो कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहलाएगा? कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब एक पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी मेरी चीज को, किसी भी चीज को, एक्स मान लो ये साइकिल है एक्स, इस एक्स नंबर की चीज को नुकसान पहुंचाना चाह रही है और ये इसको सेव करना चाह रहा है इससे। ठीक है, बेशक अब मोनू कुछ भी उसके ऊपर थिंक कर सकता है। ठीक है, और यहां से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट टीम मेंबर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी चीजों को लेके हो जाता है। इसी जगह इस अमन को मान लो ये एक वर्कर है कंपनी में काम करने वाला और ये भी एक वर्कर है, मतलब स्टाफ है, दोनों कंपनी में काम करते हैं, दोनों को एक टास्क असाइन करा गया है, दोनों को एक ग्रुप में करके एक साथ काम करने को बोला गया है। अमन को लग रहा है कि अगर सारा काम मैं कर दूंगा तो जो मोनू है वो आलसियों की तरह बैठा रहेगा और फ्री की सैलरी लेगा। इस जगह पे अमन अपना काम करना छोड़ देता है। जैसे ये काम करना छोड़ता है तो ये जो काम कर रहा होता है इसको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा तो भाई मैं क्यों करूं, ये भी छोड़ देता है। दोनों की वजह से काम में क्या होता है, रुकावट आने लगती है और डिले होने लगता है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में तब आता है जब ऑर्गेनाइजेशनल का एक कॉमन गोल,
ऑर्गेनाइजेशनल काम किस लिए करती है बेसिकली? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेम गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक मीनिंग ये होता है, ठीक है, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों आती है, उसके कारण क्या है। तो पहला कारण हो सकता है अनक्लियर डिवीजन, काम को सही तरीके से ना बांटा गया हो, मतलब काम को एक तरह से पार्शियलिटी करके बांटा गया हो, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, या काम ऐसा बांटा गया हो जिसको वो आता ही नहीं हो। अमन को मान लो क्या बोलते हैं, अकाउंट्स नहीं आती, इसको सारे अकाउंट्स वगैरह के काम दे दिए, इसको आउटसाइडर का काम नहीं आता और इसको आउटसाइडर वाला काम दे दिया, मतलब बाहर का अराउंड, मतलब कि वर्क प्लेस वाला, टूरिस्ट वाला काम दे दिया, घूमने घामने का बाहर का काम दे दिया। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, दोनों के काम नहीं होंगे। तो अनक्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या अनक्लियर डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। दूसरा पॉइंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप्स बनवाना जो कि नहीं हो सकती बॉन्डिंग, ठीक है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को कुछ लोगों से चिढ़ होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी के बहुत सारे थिंक हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग उसके इमोशंस हो सकते हैं। मान लो वो आदमी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम ना करना चाह रहा, कोई व्यक्ति कि जो बहुत बुरी तरीके से बात करता है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ना हो, ठीक है, जो बात करते टाइम बहुत ही बैड स्मेल करता है, उसकी जो बॉडी स्मेल बैड करती है, तो इस तरह वो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल में कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लोग। तीसरा आता है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब होता है जहां पर संसाधनों की कमी होने लगती है, टेक्नोलॉजी की कमी होने लगती है, ठीक है, जहां पर रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। दो पर्सनों को काम करने को अगर काम असाइन करा गया है तो एक पर्सन को लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज तो नहीं है, मुझे उसके जैसा काम अगर करने को बोला है तो उसके जैसे मेरे को मशीन भी तो दो, उसके जैसे मेरे को एम्प्लॉइज भी दो, उसके जैसा टाइम दो, हर चीज मेरे को वैसी चाहिए तब मैं काम करूंगा। यहाँ पर स्केयर रिसोर्सेज की कमी से कॉन्फ्लिक्ट राइज करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक दूसरे पे इंटरेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, ठीक है, काम का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी चीज का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम ना करने का इंटरेस्ट हो सकता है, दो लोगों में जो काम सौंपा गया, क्या पता वो काम करने में इंटरेस्टेड ही ना हो, ठीक है, जो काम उनको डिवीजन करे गए हैं उस काम से अलग वो कोई काम करना चाहते हो, तो इस जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेज होता है। तो ये है कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, मिसबिहेव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टास्क असाइंड हो गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज है। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स पे आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स क्या होते हैं। पहला आता है इंट्रा इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझो, दो वर्ड मैं बता रहा हूं, एक इंटर एक इंट्रा, पहले इनका मतलब समझो, आई एन टी आर ए इंट्रा, आई एन टी ई आर इंटर, इंट्रा मतलब होता है एक व्यक्ति सोलो अकेला, ठीक है, इंटर का मतलब होता है ग्रुप, क्या बोलते हैं ग्रुप, कोई भी पांच सात लोगों का ग्रुप वो एक इंटर कहलाएगा। इंट्रा मतलब होता है इंडिविजुअल अकेला एक व्यक्ति सोलो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पर इंट्रा मतलब होता है, इंट्रा का टाइप कॉन्फ्लिक्ट में क्यों डाला, क्योंकि एक व्यक्ति, सिंगल एक व्यक्ति, सिर्फ एक आदमी, उसके बहुत सारे थॉट्स फीलिंग्स हो सकते हैं, हो सकता है वो जो जॉब कर रहा है उस जॉब से उसको घर ना चल रहा हो, उस जॉब से वो हैप्पी ना हो, उस जॉब की वजह से वो अपने काम में ध्यान ना लगा पा रहा हो, उसके कुछ इमोशंस फीलिंग्स की वजह से उस काम को और उस जॉब को दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हो, और मिक्स करने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है। काफी बार देखा होगा एक आदमी काम पे भी काम करते करते दिन में जैसे सो रहा हो, गलत काम करे जा रहा है, कुछ भी कर दे रहा है उठा के, जैसे उसका दिमाग कहीं और है, जिसको बोलते ना कि मेंटली तौर पर वो कहीं और प्रेजेंट है बट फिजिकली तौर पे वो आपके सामने है, तो इस जगह पर इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। सेकंड आता है इंटरपर्सनल, जहां पे ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, ग्रुप में किसी भी चीज को लेकर, पांच सात लोगों का एक ग्रुप बनाया है जिसमें काम करना है, तो एक आदमी बोल रहा है कि मुझे ये काम क्यों नहीं असाइन किया, मुझे उससे ज्यादा काम क्यों करवा रहे हो,
अगर उसको 2 घंटा पहले छुट्टी कर दी तो मुझे 2 घंटा क्यों लेट हो रखा है। तो ग्रुप में इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, जिसको हमने एक टाइप दे दिया इंटर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इंटरपर्सनल। थर्ड आता है इंटर ग्रुप। देखो इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप दोनों ही मैं एक बार में कंबाइन करके बताऊंगा, थर्ड और फोर्थ दोनों को ध्यान से समझना। इंटर ग्रुप में होता है जहां पर टू ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंट्रा ग्रुप में मैंने इंट्रा मैंने वर्ड बताया था ना, इंट्रा, ये रहा इंट्रा, मतलब सिंगल, एक व्यक्ति। तो इंट्रा मतलब एक सिंगल व्यक्ति, जहां पर सिंगल पर्सन जो है वो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट को रेज करता है, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी से भी, तो वो कहलाएगा इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हो सकता है किसी एक आदमी को दूसरे से प्रॉब्लम हो, उसकी कास्ट से प्रॉब्लम हो, उसकी स्मेल से प्रॉब्लम हो, उसके कपड़ों से प्रॉब्लम हो, उसके बोलने के तरीके से, कम्युनिकेशन से, या उसके स्टाइल से प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज से हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और इंटर ग्रुप के अंदर उसी ग्रुप में एक ग्रुप को किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से ही प्रॉब्लम है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। एक ग्रुप में अगर 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन 5 लोगों को आपस में प्रॉब्लम नहीं है, बट इन 5 लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 लोगों के दूसरे ग्रुप से प्रॉब्लम है, इस ग्रुप से प्रॉब्लम है, पूरे ग्रुप को दूसरे ग्रुप से प्रॉब्लम है। इनकी तो बन रही आपस में, मगर इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है, दूसरे ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और सेम दूसरे ग्रुप को पहले ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम राइज हो रही है। तो इसको बोलेंगे इंटर ग्रुप, पूरे ग्रुप में ही प्रॉब्लम आ रही है। इंट्रा ग्रुप मतलब सिंगल व्यक्ति, इंटर ग्रुप मतलब जहां पूरे ग्रुप ग्रुप में लड़ाई होगी, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप वॉर कह सकते हो, क्लियर है। अब आ जाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कुछ अप्रोच और स्ट्रेटजीज बनती है। पहली स्ट्रेटजीज है विन लूज, दूसरी है लूज लूज, तीसरी है विन विन। आपकी बुक में सिर्फ 3 दिए, बट 1-2 और होती है, एक होती है चौथी, जिसके अंदर आती है लूज विन, ठीक है, बट आपके बुक में नहीं है, तो इसको हम अभी रीड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 3 रीड करेंगे। तो पहली आती है विन लूज, विन लूज, दोबारा मैं बोल रहा हूं विन लूज। आप एक क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में एक टीम हमेशा जीतती है और एक टीम हमेशा हारती है। जो जीतने वाली टीम है वो अपने घर ट्रॉफी लेके जाती है, क्योंकि वो क्या हो गई है, विन, वो जीत गई है। तो क्रिकेट टीम, भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही याद कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। तो क्रिकेट टीम हम देख रहे हैं, तो एक टीम है, मान लो इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप, तो इंडिया क्या हो गई, विन, इंडिया ट्रॉफी लेके गई। इंडिया के साथ जो भी अपोनेंट होगा वो हारेगा और ट्रॉफी नहीं ले जा पाएगा, तो उसकी जगह वो उदास हो जाएगा, तो वो होगा लूज, क्या होगा, लूज। तो इसको बोलते हैं विन लूज अप्रोच। यहाँ पर एक व्यक्ति अगर जीतता है तो दूसरा व्यक्ति हारता है, क्लियर है। सेकेंड अप्रोच आ जाते हैं लूज लूज अप्रोच। लूज अप्रोच का एग्जाम्पल समझो पहले, ठीक है। 2 बच्चे हैं, 10 साल के, 10-12 साल के हैं, 2 बच्चे हैं, सॉरी ओके भाई, 2 बच्चे हैं। अब दोनों के दोनों बच्चों के पास एक कॉमिक बुक है, एक ही कॉमिक बुक है, बच्चे 2 हैं, ठीक है, याद रखना, 2 चिल्ड्रंस एंड 1 बुक, कॉमिक बुक। दोनों को ही वो कॉमिक बुक बहुत ज्यादा प्यारी है, दोनों को ही वो कॉमिक बुक पढ़नी है, पहले एक दूसरे से पहले पढ़नी है। मतलब हमारा होता है ना कि छोटे जब हम होते हैं तो हमको कोई अच्छी चीज मिल गई, मोबाइल फोन मिल गया, गेम खेलनी है, 2 लोग हैं, तो दूसरे की टर्न आने का वेट नहीं करना होता, हमको छीनना होता है उससे मोबाइल की, भाई मेरे को दे, पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं खेलूंगा, लड़ने लगते हैं। तो सेम ये दोनों बच्चे हैं, कॉमिक बुक बहुत अच्छी है या मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में हुआ क्या कि ये बुक को ना तो पहला बच्चा पढ़ पाया ना दूसरा बच्चा पढ़ पाया, क्योंकि बुक या तो फाड़ दी और या तो बुक फटी नहीं, तो बुक जो है वो खराब हो गई। दोनों के झगड़े के चक्कर में दोनों में से कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही लूज लूज अप्रोच में है, दोनों का ही फायदा ही नहीं हो रहा, बुक तो कोई पढ़ी नहीं पा रहा ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो लूज लूज अप्रोच, क्लियर। तीसरा विन विन अप्रोच, विन विन अप्रोच।
देखो विन विन अप्रोच का मतलब है द रिजल्ट आउटकम इज गुड फॉर एवरीवन। जो रिजल्ट और आउटकम होगा ना वो हर सबके लिए गुड होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, यहाँ कोई बुरा नहीं होगा, सबके लिए अच्छा होने वाला है, तो इसको विन विन अप्रोच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो एक ऑफिस में आप जॉब करते हो, आप जॉब करते हो तो आपको आप मान लो सोनीपत में रहते हो, सोनीपत से नोएडा जाना पड़ता है 3-3.5 घंटे का ट्रैवल, और प्लस आपको उसका पॉकेट मनी फूक के पैसे फूक के पर डे के 200-250 रुपए किराए में लगा के जाते हो। तो आप यहाँ से सोनीपत से नोएडा जा रहे हो रोज का काम करने के लिए, ठीक है, थकान होगी वो अलग, पैसे फूकेंगे वो अलग, और वहां पे जाकर काम करना पड़ रहा है वो अलग। अब आपने इस चीज को लेकर कि भैया मेरे पैसे ज्यादा फूक रहे हैं, आपने बॉस से बात करी कि सर इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, हमारा काम भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो सॉल्यूशन बॉस ने क्या बोला कि आप ना कल से वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। तो जब इसको वर्क फ्रॉम होम मिला तो यहाँ पर देखो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो बॉस होगा वो भी खुश, क्यों, क्योंकि काम तो पूरा कर ही रहा है ना बंदा, चाहे घर से करे चाहे कहीं से करे, काम पूरा हो रहा है। एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉय हैप्पी, क्यों हैप्पी है भाई एम्प्लॉय पता है, अगर वो घर से काम कर रहा है, आपको किसी ने बोल दिया 3 घंटे ट्रैवल करके आओ और सेम काम मेरे पास करो, आप बड़े दुखी हो गए यार गर्मी में कौन जाएगा इतनी दूर, सेम काम बोल दिया घर से करना है, पैसे बच गए मेहनत बच गई और घर पे सो रहे हो लेट रहे हो बैठ रहे हो मजे मजे, ठीक है, एम्प्लॉय भी हैप्पी बॉस भी हैप्पी। तो जब दोनों हैप्पी हैं ये भी विन हो गया ये भी विन हो गया, इसको बोलते हैं विन विन अप्रोच, जहां दोनों ही खुश हैं, ठीक है। तो दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं, विन लूज में क्रिकेट टीम जैसा कि एक जीतता है तो एक हारता है, दूसरा है लूज लूज, जहां दोनों पार्टी हारती है, दोनों में से किसी का बेनिफिट नहीं होता, दोनों ही नुकसान करती है, दोनों में बच्चे में लड़ाई हुई और बुक कोई भी पढ़ नहीं पाया, दोनों ने बुक फाड़ दी, ठीक है, दोनों का लॉस। तीसरा विन विन अप्रोच, जहां दोनों पार्टियों का फायदा होता है, दोनों पार्टियां जीत जाती है, ये होता है विन विन अप्रोच। तो अब इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इस टॉपिक के बाद खत्म है, अब कोई टॉपिक आपको अनदर नहीं पढ़ना इस छठे चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, किसी भी बच्चे को वीडियो अच्छी लगे तो नोट्स वगैरह बाय करने तो ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम अमाउंट भाई 120-130 रुपए जो भी होगा पेड करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो। और जिन भी बच्चों को अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में कल 7th चैप्टर के साथ, जल्दी आपकी सीरीज कंप्लीट करा के नई सीरीज को शुरू करेंगे, और इसके सारे चैप्टर्स के सीरीज को हमने डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज मेंटेन कर दिया, अटैच कर दिया, जाके एक एक करके सारे लिंक को वॉच आउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय, अब आप इसको उतारो आराम से और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।